स्टूडेंट्स वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपा लर्न। सो दिस इज योर पार्ट टू वीडियो बेटा फॉर लॉगरिथम्स। फॉर पी वाई क्यूज देयर आर सर्टेन पी वाई क्यूज, सो लेट्स स्टार्ट इट बेटी। तो क्या है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x इज इक्वल्स टू log of AB to the base C, Y log of BC to the base A, Z is log of CA to the base B. Then which of the following is correct? X, Y, Z equals to 1, X plus Y plus Z equals to 1 और this all the conditions. तो पहले first condition को देखते हैं, X dot Y dot Z equals to 1, क्या ये possible है? तो आपके पास एक property है बच्चे, log of A to the base B dot log of B to the base C. तो आप लोग इसको बना सकते हैं log of a to the base c। हम दो को कंबाइन कर सकते हैं, फिर हम तीसरे को कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर log of a to the base b जो है अब यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। log m डॉट log n भी करें हम, log of n तो क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, इनका बेस सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं पाएगा। एडिशन करते हैं, एडिशन में भी क्या है बच्चे, log of m plus log of n, second x plus y plus c, तो इनका बेस सेम होना चाहिए, तो बेस इनका सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 plus x raised to power minus 1, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है बच्चे 1 plus x raised to power minus 1, 1 plus y raised to power minus 1, 1 plus z raised to power minus 1। तो कंडीशन है x किसके इक्वल है बच्चे, log of a b to the base c, तो आप लोग 1 plus कर लीजिए दोनों तरफ, तो log of ए बी टू द बेस सी प्लस 1 कर लीजिए, 1 प्लस कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसमें 1 प्लस करेंगे बच्चे, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log of ए टू द बेस सी प्लस log of बी टू द बेस सी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी रखें ए बी टू द बेस सी, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log of ए टू द बेस ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें log of c to the base c equals to 1, तो ये आ जाएगा log of a b c to the base c, क्योंकि log of m dot log of n, log of m plus log of n sorry किसके इक्वल होता है, log of m n के इक्वल होता है, क्योंकि उनका बेस सेम है, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो हमें कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ 1 plus x, ओके ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, आपको x प्लस वाई प्लस जी करना है, तो इसको करने से पहले, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 है। तो क्या है, अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर करूं कि अगर इसकी पावर मैं माइनस 1 करता हूं, माइनस 1 बेस सी हो गया, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log of a टू द बेस b इक्वल्स टू 1 अपॉन log of b to the base a, तो अगर b to the base a है तो log of a to the base b कर सकते हैं आप लोग, ठीक है c sorry, ठीक है। अब y किसके इक्वल है बच्चे, y है आपके पास log of a log of b c to the base a, तो हम दोनों तरफ 1 प्लस कर लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस वन प्लस जी है, वन प्लस कर दी, यहाँ पे भी 1 प्लस हो गया। अब यहाँ पे बेस ए है बच्चे, तो इसको भी log of a टू द बेस ए कर लीजिए, तो ये हो गया log of a, क्योंकि बी सी प्लस ए है तो log of a बी सी हो सकता है, बेस ए ही रहेगा। अब अगर इसमें 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, विच इज़ 1 अपॉन log of a b c to the base a, तो इसको हम लिख सकते हैं log of a to the base a b c, लिख सकते हैं बेस ही था। सिमिलरली z किसके इक्वल है, z किसके इक्वल है, log of c a to the base b, तो अगर 1 plus z inverse में शॉर्टकट में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log of जो बेस है, हर केस में बेस कहाँ जा रहा है, यहाँ पे c, ये b है यहाँ पे और ये यहाँ क्या सी ए है, तो सी ए के लिए हर बार ए बी सी बना, तो यहाँ पे भी ए बी सी बन जाएगा। तो अब हम करें
वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन प्लस वन प्लस वाई रेज टू पावर माइनस वन प्लस वन प्लस जी रेज टू पावर माइनस वन किसके इक्वल आ गया, वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन किसके इक्वल आ गया, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए बी सी, वन प्लस वाई रेज टू पावर माइनस वन किसके इक्वल आ गया, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए बी सी, और वन प्लस जी रेज टू पावर माइनस वन किसके इक्वल आ गया, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बी सी। तो आपके पास लॉग ऑफ बेस सबका सेम है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन है, तो अब तीनों है तो अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी सी टू द बेस ए बी सी। तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ए किसके इक्वल है, हमारा वन के इक्वल है, तो यहाँ ए टू द बेस ए है तो विच इज़ इक्वल्स टू वन, तो ये वन के इक्वल आ गया। हमारे पास ये रिजल्ट किसके इक्वल था, ये वन के इक्वल था, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यही है ऑप्शन सी इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, लॉग ऑफ इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड एक्स जो है बच्चे वो ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन पाई अपॉन टू, ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई अपॉन टू। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है बच्चे, अगर आप इसको देखें, हमारे पास एक कंडीशन है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, आप इनके बेस चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग ऑफ कॉस एक्स करता हूँ तो ये वन आना चाहिए। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर सकती है, तो सिंपल है कि अगर मैं बच्चे एक्स पाई अपॉन फोर रखूँ दैट इज़ 45, तो हमें पता है बच्चे लॉग साइन 45 अपॉन लॉग कॉस 45, लॉग साइन 45 कितना हो जाएगा, वन अपॉन स्केयर रूट ऑफ टू, कॉस 45 कितना होगा, वन अपॉन स्केयर रूट, दोनों कंडीशन सेम है, कैंसिल होकर वन रिजल्ट लाएगा, तो एक्स आपके पास पाई अपॉन फोर आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपके पास लॉग ऑफ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज लॉग ऑफ एन टू द बेस टू प्लस वन अपॉन लॉग ऑफ एन टू द बेस थ्री प्लस वन अपॉन लॉग ऑफ एन टू द बेस हंड्रेड, फिर एन इज़ नॉट इक्वल्स टू वन, एन वन नहीं है। तो हमारे पास एक कंडीशन है बच्चे लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज रेसिप्रोकल ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, तो अगर हम इसको इस कंडीशन को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टू द बेस एन, लॉग ऑफ थ्री टू द बेस एन, लॉग ऑफ हंड्रेड टू द बेस एन लिख सकते हैं। तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, ये सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, बेस सबका सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ टू डॉट थ्री डॉट फोर डॉट अप टू सो ऑन हंड्रेड, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में टू द बेस एन। तो अब अगर इसको मैं 100 फैक्टोरियल की फॉर्म में देखूँ तो 100 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये सारे इसी फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 100 फैक्टोरियल टू द बेस एन। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग है, तो यही प्रॉपर्टी हम दोबारा अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन बेस, यहाँ पे जाएगा ये 100 फैक्टोरियल आ गया फर्स्ट, 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 100 फैक्टोरियल डॉट एन, ये इस प्रॉपर्टी को मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे x है आपके पास x प्लस लॉग ऑफ 15 वन प्लस थ्री एक्स विच इज इक्वल्स टू x लॉग ऑफ 5 टू द बेस 15 एंड लॉग ऑफ 12 टू द बेस 15। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जितने भी कंडीशन है इनका बेस 15 है, इसको ध्यान दीजिए। व्हाट इज एक्स, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, देन व्हाट इज एक्स इक्वल्स टू, एक्स अगर एक इंटीजर है तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है बच्चे, हमारे पास ये सभी बेस 15 है, तो अगर ये लॉगरिथम में कंडीशन है तो इसको रिलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे यहाँ डॉट वन कर देते हैं। तो अब हमें ये कंडीशन क्लियर है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए किसके इक्वल है, वन के, तो अगर मैं यहाँ सिचुएशन ऐड ऑन करूँ
log of 15 to the base 15, तो वो 1 को रिप्लेस कर सकता है, log of 15, 1 plus 3 raised to power x equals to x log of 5 to the base 15, 12 to the base 15. अब हमारे पास एक और कंडीशन है, log of m raised to power n किसके इक्वल है, n log of m. आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, log of 5 to the base 15 x हो जाएगा plus log of 1 plus 3 raised to power x to the base 15 which is log of 5 to the base 15 equals to x plus log of 12 to the base 15. तो आप लोग इसको देख सकते हो कि ये log m plus log n आ गया, n log m plus log n किसके इक्वल है बच्चे, आप लोग इसको कर सकते हो equals to log m n कर सकते हैं, ठीक है. तो आप इसको देख सकते हैं, this is log m plus log n, तो आप इसको कर सकते हैं log of 5x 1 plus 3 of x log of 15, this is 15 log m raised to power, this is 15 raised to power x. ये कंडीशन भी log of m plus log of n है, तो आप इसको कर सकते हैं log of, तो base 15 रखिए, 5 of x multiplied by 12 to the base 15. अब दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हैं, log of this equals to log of this, तो आप लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि दैट मीन्स 15 raised to power x 1 plus 3 raised to power x equals to 5 raised to power x multiplied 12. तो यहाँ से आपके पास, आप इसको 5x इंटू 3x कर सकते हैं, 5x मल्टीप्लाइड बाई 12. तो आपके पास एक कंडीशन होती है m रेज टू पावर a डॉट n रेज टू पावर a एम एन ए, तो पावर्स आर सेम, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास क्या रह गया, 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3x प्लस 3 2x हो जाएगा क्योंकि 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 डॉट 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 12. अब आपको बताना है ये कंडीशन कब इक्वल हो पाएगा, ये कंडीशन इक्वल है तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अगर हमारे पास x का वैल्यू है माइनस 3 2 1 3, तो बेसिकली अगर आप 1 कंसीडर करें तो 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल्स टू 12, तो 3 एंड 3 स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 12, तो 12 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा. तो ऑप्शन x इक्वल्स टू 1 दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर. तो ये आपके पास कुछ बच्चे पी वाई क्यूज थे, इनको देखिए, बाकी आपके पास और असाइनमेंट आ रहा है उसका असाइनमेंट सॉल्यूशन भी आएगा, उनको सॉल्व कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा. तो चलिए आज के लिए तय रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास.